पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत सार इस ग्रंथ में हम लोग विचार कर रहे हैं। इस ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय का निरूपण हुआ है। अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। अधिकारी है साधन चतुष्टय संपन्न, साधन चतुष्टय संपन्न हो गया, श्रमणादि करता हो तो ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि ज्ञान वस्तु के अधीन है और वस्तु तो अपना स्वरूप है, तो वे साधन चतुष्टय संपन्न होने पर ज्ञान हो जाएगा, तो साधन चतुष्टय संपत्ति का कथन किस लिए? तो साधन चतुष्टय संपत्ति सबकी समान नहीं होती है। तो अपने चित्त में यदि कोई कमी हो अधिकार आदि की, तो उसकी उसको पूरी संपत्ति हो जाए, इसलिए यहाँ पर निरूपण किया गया है। इसलिए तो वेदांत के श्रवण को श्रेष्ठ साधन कहा जाता है। ज्ञान होने से पहले ज्ञान के योग्यता को प्राप्त कराता है श्रवण। और विषय हुआ जी ब्रह्म एक्य, ये विषय है शुद्ध चेतन प्रमेय। प्रयोजन है उसका ज्ञान कह लो, जी ब्रह्म एक्य शुद्ध चैतन्य प्रमेय विषय ज्ञान अथवा मुक्ति ले लो, ये भी प्रयोजन है। और संबंध है ग्रंथ और विषय में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, बोध्य बोधक भाव, और ज्ञान और शास्त्रात्मक प्रमाण में साध्य साधन भाव संबंध, ये भी बनेगा। साध्य है ज्ञान, साधन है ग्रंथ। ऐसा निरूपण करने के बाद अधिकारी का परम कर्तव्य क्या है ये कहा जा रहा है। और ऐसा अधिकारी यदि गुरु के पास आवे तो गुरु का क्या कर्तव्य है,
दोनों के कर्तव्य का प्रदर्शन है, शिष्य और गुरु। शिष्यस्य गुरुश्च कर्तव्य प्रदर्शनम् अग्रिम अग्रिमेषु वाक्येषु। अयम् अधिकारी जननामरणादि संसारा नल संतप्तो प्रदीप शिरा जलराशि। इसमें दृष्टांत दे दिया जलराशि, जिसके सिर में आग लगी हो वो जैसे जलराशि क्यों हिर जाता है। ठीक इसी प्रकार दृष्टांत में ये जो अधिकारी है साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी, अयम अधिकारी कहने से साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी, तो जनन मरणादि जो संसार है वो संसार है अनल, उससे जिसको दोष दर्शन हुआ सर्वत्र ब्रह्मलोक पर्यंत, स्तंभ से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत सुख और सुख के साधन में दोष दर्शन दिखाई दिया। दोष दर्शन होने पर ही वैराग्य होता है, सब कुछ सातिशय है, सब कुछ अनित्य है, तो सातिशयत्व अनित्व अनित्यत्व विषय को दोष दर्शन, तो दोष दर्शन से वैराग्य हुआ। नास्ति अकृतकृतेन दुखालयम अशाश्वतम परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च सर्वम दुखमिव विवेकिन। जो सूत्रकार कहते हैं तो ऐसे व्यक्ति कहा जाएगा प्रदीप्त शिरा की तरह, तो वो फिर उस दुख को आत्यंतिक निवृत्त करने के लिए, वो आत्यंतिक निवृत्ति तो ज्ञान से प्राप्त होती है। श्रुति तरति शोकम आत्मविद, इसलिए आत्मज्ञान गुरु से ही प्राप्त होता है। श्रवणम तो गुरु पूर्वम, मननम तदनंतरम, निदिध्यासन वित्ते तत् पूर्ण बोधस्य कारण। गुरुमुख से श्रवण के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, इसलिए गुरु के पास जाता है। ये अधिकारी का कर्तव्य होता है, गुरु उपसदन कहते हैं इसको, गुरु के पास विधि पूर्वक जाना चाहिए। तो उपहार पाणी है ये अधिकारी का विशेषण, उपहार पाणी, उपहार पाणव यस्य, जिसके हाथ में उपहार हो। गुरु को क्या उपहार देना भाई, उनके लिए जो अनुकूल है, उनके लिए जो अनुकूल है। मान लीजिए शुगर बहुत है और आलू एक बोरी लेकर जा रहा है, आलू गुरुजी को क्या है, शुगर है, तो आलू क्या करेंगे वो इसलिए समित पाणी कहते हैं ना, समित पाणी, लोग आगे लिखे ना समित पाणी, ये उपलक्षण है। हाँ। तो साधन चतुष्ट संपत्ति यही है उपहार, सबसे और उपहार और कुछ नहीं है। हाँ। शिष्य में योग्यता नहीं है, धन संपत्ति को लेकर जा रहा है, वो किस काम का है, कोई काम के नहीं होती है, योग्यता से संपन्न होकर के। इसलिए अत्यंत वैराग्य यही उपलक्षण करते हैं, अत्यंत वैराग्य। तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये गुरु का विशेषण देखो, श्रोत्रिय भी कहा और ब्रह्मनिष्ठ का। श्रोत्रिय छंदोदिते, शास्त्र को जिसने गुरुमुख से अध्ययन करके तात्पर्य का निर्धारण कर लिया उसको कहा जाएगा श्रोत्रिय। वो तो केवल इतना होने से नहीं होगा, शास्त्र के तात्पर्य को जानता है लेकिन शास्त्रीय आचरण नहीं है ना, उसको श्रोत्रिय नहीं कहा जाएगा। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, शास्त्र को जानता है लेकिन शास्त्रीय आचरण नहीं करता है, उसको तो श्रुति भगवती भी कल्याण नहीं कर सकते,
बाकी कौन करेगा। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, इसलिए आचरण भी होना चाहिए शास्त्रीय, तो उसको क्षत्रिय कहा जाएगा। और उसकी निष्ठा संसार में नहीं है, सब कुछ शरीर से व्यवहार करते हैं, व्यवहार तो शरीर का होता है, आत्मा का कोई व्यवहार नहीं होता है। आत्मा तो असंग ही अयम पुरुष, असंग स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर लिया वो ज्ञानी अपने स्वरूप ब्रह्म असंग ब्रह्म में ही रहेगा। वो पहले ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मणी निष्ठा, निष्ठा का अर्थ होता है नितराम स्थिति, अपने स्वरूप में नित्य रहना। कौन स्वरूप? ब्रह्म स्वरूप में, उसको कहा जाएगा ब्रह्मनिष्ठ। ऐसा जो गुरु उसके पास जा करके उपसृत्य उप उपसर्ग श्री गतो त्वा को लेप हो गया उपसृत्य उपसृत्य उपगम्य उपगम्य उपसृत्य ये पर्याय है। उसके पास जा करके विधि पूर्वक जाना, जहाँ पर उप लगा देंगे तो विधि पूर्वक अर्थ होगा विधि पूर्वक गमन। वो जाता है गुरु के पास तो गया, लेकिन जो है वहाँ पर घर का स्वभाव नहीं छोड़ा। घर में जैसे लड़े झगड़ा कर रहा था, गुरुकुल में गया तो वहाँ पर भी लड़े झगड़ा किया, तो ऐसा नहीं। गुरु की आज्ञा का पालन भी करता है वो, इसलिए तम अनुसरते। तम किम? गुरुम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अनुसर, गुरु का अनुसरण करता है ना, गुरु के आगे आगे नहीं, गुरु के पीछे पीछे चलना चाहिए। पीछे पीछे मतलब उसकी आज्ञा का पालन करता है ना, यही अनुसरण है। तम अनुसरति, इसमें प्रमाण क्या है? क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए है, और योग्यता से संपन्न होकर के जाना चाहिए। इसमें क्या प्रमाण? देखो दो के विषय में है ना, कि योग्यता से संपन्न होकर के ही जाना चाहिए और गुरु के पास ही जाना चाहिए, ये दो के विषय में प्रमाण है। समित पाणी, समित पाणी तद विज्ञानार्थम, वहाँ पर कहा गुरु के पास जाना चाहिए, किस लिए जाना चाहिए ये भी है। तीन हो गए कि नहीं है ना, अधिकार से संपन्न होना होकर जाना चाहिए और ज्ञान के लिए ही जाना चाहिए और गुरु के पास ही जाना चाहिए। कितने विषय हुए? तीन हो गए ना, तो ये तीन है यहाँ पर देखो। हाँ तो पहले कहते नहीं देने लिखा, संक्षेप से लिख गया तद विज्ञानार्थम, वो जो जिसके ज्ञान से मुक्ति होती है उसको उस आत्मस्वरूप को जानने के लिए ही जाना चाहिए और योग्यता से संपन्न होकर के जाना चाहिए। समित पाणी कह दिया। और श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गीता में जो कही गई तद्विद्धि प्रणिपाते न परिपश्यन सेवया उपदेक्षन्तते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, वहाँ पर ज्ञानी न कहा और तत्वदर्शी न कहा, तो ज्ञानी न कहने से श्रोत्रिय हुआ, शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय को वस्तु को जानता है, आचरण करता है, शास्त्रीय आचरण करता है। और यहाँ पर ब्रह्मनिष्ठ कहा, वहाँ पर तत्वदर्शी कहा इत्यादि श्रुते है। ये तो अधिकारी का कर्तव्य हुआ है, समित पाणी होकर के क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए और ज्ञान के लिए ही जाना चाहिए, संसार की प्राप्ति के लिए नहीं, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए नहीं, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ही गुरु के पास जाना होता है।
तो मान सम्मान धन संपत्ति वो तो महात्मा बनने से बने बिना भी हो सकता है कि नहीं। तो महात्मा बन करके गुरु के पास जाता है, वो तो आत्मज्ञान के लिए जाता है। तो ऐसा यदि अधिकारी आ जाए तो गुरु का कर्तव्य क्या है? तो गुरु का कर्तव्य को यहाँ बता रहे हैं। देखो, सह परम कृपया अध्यारोपापवाद न्यायेन एनम उपदिशति तस्मै स विद्वान उपसन्नाय प्राह इत्यादि श्रुते। तो देख लिया साधन चतुष्ट संपन्न होने पर वो विचार करता है कितने जन्म बीत गए हमारे, फिर भी कल्याण नहीं हुआ, बार बार फिर जन्म लेना होगा, और जन्म लेने पर दुख ही हुआ, इसलिए इस जन्म में ही हमको आत्मज्ञान प्राप्त करना है। व्यवहार में देखा जाता है, कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते। कोई कर्म करता है क्यों? भोग के लिए है कि नहीं? रिक्शा चलाता है सुबह से शाम, तो क्यों करते हो इतना? तो क्या बोलेगा भाई, नहीं रिक्शा चलाएंगे तो खाएंगे कैसे, ये बोलेगा है ना? और क्यों खाते हो इतना, 10 रोटी 15 रोटी तो क्या बोलेगा? नहीं खाएंगे तो रिक्शा कैसे चलाऊंगा है कि नहीं? तो यहाँ पर भी ऐसा है ना? तो क्यों खाते हो भोजन में, तो क्या बोलना चाहिए? आश्रम में क्या बोलना चाहिए? नहीं खाएंगे तो हैं सोएंगे कैसे, ऐसे बोलना है? जिएंगे कैसे, ऐसे बोलना है? नहीं खाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे, नहीं सेवा कैसे करेंगे, ये होना चाहिए। तब व्यवहार में तो ये देखा जाता है संसार में, कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते। इसमें दृष्टांत दे दिया पंचदशी में, नद्याम कीटा इवावर्ताद आवर्तांतरम आसुते व्रजन्तो जन्मनो जन्मा लवन्ते नैव निवृत्ति। जैसे कीड़े का दृष्टांत दिया, ये गंगा जी के भंवर होता है ना, ऐसे भंवर घूमता है, नीलधारा में जाओ ऐसे भंवर घूमता है, उसमें कोई कीड़ा है वो प्रयत्न भी करता है उस भंवर से मैं छूट जाऊँ किनारे तरफ आ जाऊँ, लेकिन बहुत प्रयत्न करने पर वो नहीं निकल पाता है, भ्रमर से नहीं निकल पाता है। अच्छा, तो फिर जो है बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं निकल पाता है, लेकिन उसका पुण्य यदि उदय हो गया कीड़े का, पहले भी कर्म किया हो, पहले भी मनुष्य जन्म मिला हो तो पुण्य कर्म किया है, और जो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो कीड़ा भी बन सकता है कि नहीं? आगे कीड़ा ही बन जाएगा, ऐसे ही भ्रमर में घूमेगा और क्या। और पुण्य यदि उदय हो गया तो कोई महापुरुष, बहुत लोग देखते हैं वो कीड़े को नहीं उठाता, हर कोई कोई पुण्यात्मा आकर उस कीड़े को उठा दिया, बाहर निकाल दिया और गंगा जी के किनारे में रख दिया, वो बड़े सुख से रहता है वो। इस प्रकार से सत्कर्मा परिपाकाते करुणा निधिनो धृता है ना, कोई सत्कर्मा का परिपाक होने पर कोई करुणा निधि कल्याण करने वाला उस कीड़े को जैसे बाहर रख देता है ना? तीर तरुम छाया, वो तीर में जो तरु है वृक्ष है, इसी प्रकार जो है परमार्थ मार्ग में गुरु लगा देता है साधक को है ना? और इसमें जो तीर है, तीर तीर कौन है अभी? वेदांत वाक्य, वेदांत मार्ग में लगा देता है, महावाक्य का श्रवण करता है, उसमें जो छाया है, छाया कौन है भाई? आत्मज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर परमानंद सुख ही छाया है, उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है साधक,
इस प्रकार से यदि हमको महापुरुष की प्राप्ति हो रही है, वेदांत का श्रवण हो रहा है, समझ लो कि हमारा सत्कर्म का परिपाक हो रहा है, हो गया है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कोई अधिकारी, उनका जब सत्कर्म का परिपाक हुआ तो कोई महापुरुष उनको प्राप्त होते हैं। तो ऐसे महापुरुष उनका क्या करते हैं, सह सह कहने से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, स शब्द परामर्शक होगा, सह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुहु, सह गुरुहु परम कृपया। देखो गुरु की जो प्रवृत्ति होती है अध्यापन में, आत्मज्ञान देने में, अथवा अपराविद्या क्यों न हो, कर्म उपासना का ज्ञान अथवा आत्मज्ञान है, तो उसको ज्ञान को देने के लिए जो गुरु की प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति का हेतु क्या है। प्रवृत्ति का हेतु और कुछ नहीं है, परम कृपा, परमाश्चासौ कृपा इति परमा कृपा, परम कृपा, वो परम कृपा, कृपा तो है लेकिन ये सामान्य कृपा नहीं है। देखो परम कृपा मतलब क्या, अहेतु की कृपा, महापुरुष की जो कृपा होती है शिष्य के प्रति वो अहेतु की कृपा, बिना हेतु से कृपा हो जाती है, कोई स्वार्थ नहीं होता है महापुरुष, महापुरुष का कोई स्वार्थ होता है तो फिर महापुरुष क्या फिर। तृतीयांत देखो, परम कृपया, तृतीयांत हेतु, हेतु अर्थ में तृतीया होती है, किसका हेतु हो गया, आगे उपदिशति, उपदिशति क्रियापद है ये, तो जो उपदेश रूपी जो क्रिया है, गुरु जो उपदेश करता है, उस उपदेश रूपी क्रिया का हेतु है परम कृपा, परम कृपया हेतु, हेतुना परम कृपा रूपी हेतु से है ना। उपदिशति एनम, ये जो साधक है साधन चतुष्ट संपन्न होकर के गुरु के पास जो आया है, समित पाणी होकर के केवल आत्मज्ञान के लिए जो आया है, ऐसा शिष्य को एनम शिष्यम जिज्ञासुम उपदिशति, उपदेश करते हैं गुरु, लेकिन आत्मा का उपदेश, जिस आत्मा का उपदेश करते हैं गुरु, वो तो अनाम है और अरूप है, अनाम है और अरूप है, जो अनाम है और अरूप है भाई, उसका फिर उपदेश कैसे किया जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो साधन है, वो साधन का विषय तो है ही नहीं, हमारे साधन का विषय नाम और रूप है, शब्द से सुनेगा तो नाम को तो सुनोगे, आज चक्षु से रूप का ही तो ग्रहण होगा, लेकिन आत्मा तो अनाम है और अरूप है, उसका उपदेश करेंगे कैसे, उपदेश कर भी लेगा तो ज्ञान कैसे होगा भाई। तब कहते हैं अध्यारोप अपवादाभ्य अपवाद न्यायेन, एक न्याय है, न्याय, न्याय बोलते हैं, कोई पंचावय वाक्यों को भी न्याय बोलते हो न्याय दर्शन में, और प्रमाणैर प्रमाणैर अर्थ परीक्षणम न्याय हो, न्याय के भाष्यकर वात्स्यायन का प्रमाणैर अर्थ परीक्षणम न्याय, प्रमाण के द्वारा अर्थ का परीक्षण को भी न्याय कहते हैं, और न्याय प्रक्रिया को भी कहते हैं, प्रक्रिया प्रक्रिया इसलिए नियते प्राप्यते, ये न्याय यहाँ पर होगा, नियते प्राप्यते विवक्षितार्थः, विवक्षितार्थः अनेन इति न्यायः, ये न्याय होगा है ना। नी उपसर्ग, नी उपसर्ग करो,
और जो है वह गतु धातु से घाय प्रत्यय करो तो बन जाए अय के अकार को वृद्धि होने पर आय हो जाएगा, और नी के इकार को यण करने पर क्या हो गया है, यकार हो गया, तो क्या बन गया, न्याय। नी उपसर्ग अय गतु धातु से घय प्रत्यय करने पर बनेगा न्याय, जिस प्रक्रिया से विवक्षित अर्थ जाना जाता, प्राप्त किया जाता है, उसको कहा जाएगा न्याय, मतलब प्रक्रिया प्रणाली। ये प्रक्रिया है वेदांत की, ये प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया का नाम क्या है, देखो अध्यारोप अपवाद न्याय, ये नाम है। तो अध्यारोप है, अध्यारोप कहते हैं भाई सत्य वस्तु ने असत्य वस्तु न आरोप अध्यारोप, ये अध्यारोप होगा अध्यारोप। तो अधि उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, रूप धातु करो रूप धातु, और घय प्रत्यय करो तो बन जाएगा अध्यारोप अध्यारोप। अध्यारोप और कुछ नहीं, भ्रम है अध्यारोप। सत्य वस्तु में असत्य वस्तु का आरोप को कहा जाएगा अध्यारोप। ब्रह्म जैसे दृष्टांत है रज्जु, आगे बताएंगे, रज्जु में सर्प तीनों काल में नहीं है, और सर्प का आपको भ्रम हो रहा है, सर्प देखो सर्प कितना बड़ा है, काला काला दिख रहा है, उसे भय भी होता है। तो रूप रूप विमोहन है, ये धातु होता है भैया, रूप विमोहन है, भ्रांत होना है ना, भ्रांत होना, ये रूप का अर्थ होता है अध्यारोप में। इसी प्रकार ब्रह्म में जगत नहीं है, फिर भी जगत का आरोप कर दिया, यतो वा यमानी भूतानि जानते ये न जाता न जीवंते यत प्रंति विषम विषति, जगत का आरोप है ये अध्यारोप है। जब विचार करते हैं कि जो कार्य है अपने विवर्त उपादान से भिन्न नहीं होता है, जैसे मिट्टी से घट, तो घट भी आरोप है मिट्टी में, लेकिन विचार जब करते हैं तो घट मिट्टी से अतिरिक्त है ही नहीं अपने उपादान से, इन्हें वाचारम भ्रम विकार नाम अधेय मृत्यु का इत्येव सत्यम, मृत्यु का ही उपादान सत्य है घट की अपेक्षा से व्यवहार में। इसी प्रकार से ब्रह्म से अतिरिक्त कोई भी भिन्न है ही नहीं, जितने भी कार्य नाम हो चाहे रूप हो, पहले ब्रह्म ही अधिष्ठान सत्य है, ये ज्ञान हो जाता है, इसको कहते हैं अपवाद, निषेध मुख से अविद्या से आरोपित वस्तु का निराकरण, इसको बोलते हैं अपवाद। अप उपसर्ग है, बद धातु होता है, बद व्यक्तायाम वाचि, तो घय प्रत्यय करने पर हो जाएगा अपवाद, करण अर्थ में घय प्रत्यय करो। तो उपसर्ग बलात् धात्वर्थः अन्यत्र नीयते, उपसर्ग के बल से धातु का अर्थ अन्य हो जाएगा, जैसे बद का अर्थ बोलना होता है, लेकिन अप उपसर्ग लगा देंगे तो अपवाद का अर्थ बोलना नहीं होगा, निराकरण अर्थ हो जाएगा, निराकरण। निषेध मुखे न अविद्यारोपित वस्तुनः निराकरणम अपवादः, निषेध मुख से, जैसे नायम सर्पः, जिसको तुम सर्प समझ रहे थे वो सर्प नहीं है, वो अविद्या से रज्जुग विषय का अज्ञान से आरोपित था सर्प, वो सर्प का निषेध मुख से निराकरण कर देना, नायम सर्पः, इसको कहते हैं अपवाद। जो सर्प जब है ही नहीं तो कौन रस्सी है, रस्सी ही अवशेष रहेगा ना सर्प रसी से भिन्न है, ना सर्प की निवृत्ति वो भी रसी से भिन्न नहीं है, रसी ही सत्य है।
तो ये यहां पर कह रहे हैं देखो अध्यारोप अपवाद न्याय, ये न्याय है ये अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, निष्प्रपंच निर्गतः प्रपंच यस्मात्, जिससे प्रपंच ने तीनों काल में ही प्रपंच है ही नहीं ब्रह्म में, ये न्याय है प्रक्रिया। इस प्रक्रिया से सह सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ गुरु एनम एनम जिज्ञासुम आत्मजिज्ञासुम, जो आत्मजिज्ञासु है साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी है उसको उपदेश करते हैं उपदेशति। किस प्रक्रिया से? अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से। क्यों करते हैं? गुरु जी को क्या मिलेगा? उनको कुछ नहीं है, फिर क्यों करते हैं? भाई परम कृपा, ये गुरु का स्वभाव ही ऐसा है, जिज्ञासु साधक आ जाए तो उसको आत्मज्ञान देना, उसके अज्ञान को दूर करना, ये गुरु का स्वभाव होता है। जैसे गंगा जी का स्वभाव होता है, जो पुण्य के लिए आता है तो पुण्य भी देता है, जो मुक्ति के लिए आता है तो मुक्ति भी देती है। श्रुति है प्रमाण इसमें, तस्मै स विद्वान उपसन्नाय प्राह इत्यादि श्रुते, तस्मै शिष्याय, उस शिष्य को, चतुर्थी देखो, उस शिष्य को साधन चतुष्ट संपन्न आत्मजिज्ञासु शिष्यों को, हाँ ये किससे आया, किस शब्द से सूचित हुआ? उपसन्नाय, हाँ जो गुरु के पास विधि पूर्वक हाँ विवेकादि से संपन्न हो करके गुरु के पास जो आया है उसको कहा जाए उपसन्ना, गुरु शरणापन्ना, है ना। ऐसे साधक को प्राह उपदेश करते, कौन करते में? सह विद्वान, सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ विद्वान। तो दोनों का कर्तव्य हुआ, देखो अधिकारी का कर्तव्य है कि आत्मज्ञान के लिए गुरु के पास ही जाना चाहिए और आत्मज्ञान के लिए ही जाना चाहिए, और गुरु का कर्तव्य होता है कि उसका कल्याण करे उपदेश करके। तो अभी जो कहा था अध्यारोप अपवाद न्याय, तो अध्यारोप क्या है और अपवाद क्या है, ये दो बातें आ रही। देखो असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत् वस्तुनि अवस्था आरोप अध्यारोप, आपको बता दिया अध्यारोप क्या है। तो दृष्टांत है, जैसे सर्प आरोपवत्, ये दृष्टांत हो गया। असर्प भूतायाम रज्जो, रज्जु में सर्प है ही नहीं, सर्प से भिन्न है रज्जु, सर्प रज्जु से भिन्न तो नहीं, अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है, लेकिन अधिष्ठान पदार्थ अध्यस्त से भिन्न होता है, क्योंकि अध्यस्त पदार्थ का बात कर देने पर अधिष्ठान वस्तु रहती है, लेकिन अधिष्ठान के बिना अध्यस्त नहीं रहता है। जैसे रज्जु यदि न हो तो सर्प कहाँ दिखेगा, लेकिन सर्प के बिना रज्जु तो है, दिखती है। इसलिए असर्प भूतायाम रज्जु, जो सर्प नहीं है, सर्प से भिन्न है, ऐसी जो रज्जु अधिष्ठान, उस अधिष्ठान रज्जु में सर्प का जैसे आरोप होता है, भ्रांति होती है सर्प की, हाँ तो आरोप कहा जाएगा सर्प का आरोप है रज्जु में। ठीक इसी प्रकार दृष्टांत में कहते हैं वस्तुनि, तो वस्तु है अधिष्ठान, अधिष्ठान वस्तु ब्रह्म है, वस्तुनि यानी ब्रह्म में, अवस्तु है सारा संसार,
माया और माया का कार्य, इसलिए कारण भी है और कार्य भी है, ये दोनों मिथ्या है और दोनों अवस्तु है। जिसका बाद नहीं होता है वो है वस्तु, वस्तु का अर्थ सत्य है। वस्तु से यहाँ पर लेना है पदार्थ नहीं, वस्तु का अर्थ है यहाँ पर, वस्तु का अर्थ है सत्य, सत्य है। तो सत्य में त्रिकालवाद्यत्वम सत्यत्वम वेदांत का, उसमें अवस्तु जिसका बाद होता है उसको कहा जाएगा अवस्तु, असत्य मिथ्या पदार्थ, उसका आरोप हो रहा है, भ्रांति हो रही है। तो वस्तु कौन है जी? वस्तु नहीं, अवस्तु आरोप अध्यारोप, ये अध्यारोप का लक्षण हुआ। तो वस्तु कौन है? जैसे वहां पर परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, लेकिन परामर्श का ज्ञान ना हो तो लक्षण का ज्ञान कहाँ से होगा? लक्षण लक्षण वाक्य घटक परामर्श पदार्थ कह, परामर्श पदार्थ यदि ज्ञान ना हो तो परामर्श घटित वाक्य लक्षण का भी ज्ञान आपको नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर लक्षण वाक्य हुआ अध्यारोप, लक्षण वाक्य हुआ वस्तुनि अवस्तुआरोप, ये तो लक्षण हुआ। लक्षण घटक पदार्थ है वस्तु, ये वस्तु कौन है? वस्तु पदार्थ यदि ज्ञान हो तो तत् घटित वाक्य का ज्ञान होगा, लक्षण वाक्य का ज्ञान। इसलिए वस्तु कौन है? वस्तु कहते हैं ब्रह्म, यहाँ पर वस्तु ब्रह्मा। अब ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है सच्चिदानंदात्मय, सच्चिदानंद अनंत अद्वयम् ब्रह्म। सत सत का अर्थ तीनों काल में, जिसका बाद नहीं होता है, तीनों काल में है। जैसे आत्मा का अस्तित्व तीनों काल में है, पहले भी आप थे, अभी भी है, आगे भी है, तीनों अवस्था में, जागृत में भी है, सपना में भी है, सुषुप्ति में भी है, ये सत है सत। और वेदांत में सत भी है नित्य भी है, वेदांत में उसी को सत कहते हैं, उसी को नित्य भी कहते हैं। पर्याय सत है, सत और नित्य शब्द पर्याय होता है। और चीद है ज्ञान स्वरूप संप्रकाश, जो सबको प्रकाशित करे और जो किसी से प्रकाशित न हो, है चित्त प्रकाश स्वरूप, संप्रकाश स्वरूप चित्त है। श्रुति कहते विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, और आनंद भी है ब्रह्म का स्वरूप, आनंद प्रिय। सातिश आनंद ने अनित्य आनंद है, निरतिशय अनित्य आनंद है, और अनंत कह दिया न विद्यते अंतो यस्मिन, जिसमें अंत न हो। अंत बोलते हैं परिच्छेद को, देश काल वस्तु त्रिविध परिच्छेद शून्य को कहा जाएगा अनंत। और अद्वय है, अद्वय अद्वय कहने से जिसमें भेद ना हो, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित, ऐसा जो है पदार्थ उसको कहते हैं ब्रह्म वस्तु। ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण हुआ सच्चित आनंद अनंद अद्वयम् ब्रह्म। और अवस्तु कौन? अज्ञानादि सकल जड़ समूहो अवस्तु। अज्ञान है मूला विद्या, मूला विद्या, और वो अज्ञान है तो एक ही है,
लेकिन शुद्ध सत्य प्रधान प्रकृति को माया बोल देते हो, ईश्वर की उपाधि है, और मलिन सत्य प्रधान प्रकृति को कहते हैं कहीं अविद्या बोल देते हो, लेकिन है तो एक ही है अज्ञान। और आदि से लीजिए उसका कार्य अज्ञान हो गया, मूल कारण परिणामी उपादान, आदि से उसका कार्य अज्ञानादि सकल जड़ समूह। अज्ञान भी जड़ है और अज्ञान का कार्य भी जड़ होगा। ये सब सारा जड़ दृश्य ले लो, सारा दृश्यमान जगत ये है अवस्तु, अवस्तु है मिथ्या है, ब्रह्म है सदवस्तु, और उसमें जो कुछ भी दृश्यत्व न है उसको कहा जाएगा अवस्तु, मिथ्या पदार्थ है। लेकिन अज्ञान किसको कहते हैं भाई? अज्ञान नैयाग लोग कहें अज्ञान मतलब क्या, ज्ञान का प्राग भाव यही अज्ञान है, जैसे घटा भाव बोलते हो, मृतिका में घट उत्पन्न होने वाला है, अब तो घट नहीं है, यह मृतिकायाम घटो भविष्यति, इस मिट्टी में घट बनेगा, अब तो घट नहीं है, तो घट का प्राग भाव है ना। तो घट उत्पन्न होने से पहले अपने उपादान में सावय कारण में घट का प्राग भाव है। इसी प्रकार ज्ञान भी अभी नहीं है, ज्ञान आगे उत्पन्न होगा, इसी का नाम अज्ञान है। अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं है, इसलिए तो हम वेदांत सार का विचार कर रहे हैं, तो ज्ञान नहीं है तो क्या है फिर? ज्ञान का अभाव है। कौन सा अभाव? प्राग भाव है कि नहीं? जैसे मृतिका में घट का प्राग भाव है, उसको कहेंगे घटा भाव। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान अभी नहीं है, ज्ञान आगे उत्पन्न होगा। नहीं आगे लोग बोलेंगे कहाँ पर उत्पन्न होगा? बोलते हैं आत्मा में उत्पन्न होगा, और कहाँ है कि नहीं? जैसे जिस मिट्टी में घट का प्राग भाव है उसी मिट्टी में क्या उत्पन्न होगा? घट का घट उत्पन्न होगा। इस प्रकार जिस आत्मा में ज्ञान अभी नहीं है, ज्ञान का प्राग भाव है, उसी आत्मा में जीव में ज्ञान उत्पन्न होगा, अनित्य ज्ञान होगा। इसलिए अज्ञान का अर्थ लोग करेंगे ज्ञान का प्राग भाव, बोलते ऐसा नहीं। वेदांत के अनुसार अज्ञानम किम कहते सत असत भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत किंचित इति वदन्ति, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। ये अज्ञान है। अज्ञानम तु कहने से विलक्षण हुआ, विलक्षण है वो, ज्ञान से अज्ञान विलक्षण होता है ना। और वेदांत इतर दर्शनों से भी विलक्षण है, वेदांत से इतर दर्शनों में प्रतिपाद्य अज्ञान से ये अज्ञान विलक्षण है। तो कैसे विलक्षण? देखो सद असद भ्याम अनिर्वचनीय, कि सद से भी उसको सद भी नहीं कह सकते हो और असत भी नहीं कह सकते हो। क्यों भाई? सद यदि कहोगे आप तब तो ज्ञान से भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, है कि नहीं? जैसे सर्प है, मान लो सर्प को यदि सत कहोगे रस्सी की तरह व्यवहार में, तब तो रज्जु ज्ञान से सर्प की निवृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए सर्प को जैसे सत नहीं कह सकते, इसी बगैर अज्ञान माया को भी सत नहीं कह सकते। तो अज्ञान शब्दित माया को यदि सत कहोगे ब्रह्म की तरह, तो ब्रह्म जैसे बाधित नहीं होता है, अबाधित होता है तीनों काल में, इस बगैर अज्ञान भी अबाधित हो जाएगा। तो अबाधित यदि होगा तो फिर मुक्ति कैसे होगी? भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति, ज्ञान से माया माया के पदा सब की निवृत्ति हो जाती है, श्रुति बोलती है। इसलिए सत भी नहीं कह सकते आप, और असत कहोगे बंध्या पुत्र के तरह, तब तो प्रतीति उसके नहीं होगी। असत चेत तरी
न प्रतीत अर्थापत्ति प्रमाण हो रहा है ना। तो सत शब्द से भी निर्वचन जिसको जिसका नहीं कर सकते, असत शब्द से भी जिसका निर्वचन नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए सत असत विलक्षणत्म, सत से विलक्षण असत से भी विलक्षण है। त्रिगुणात्मक भी है वो, सत्व रज और तम है। लक्षण क्या करोगे, लक्षण देखो ये लक्षण ही है, सद असदभ्याम अनिर्वचनीयत्वम, ये लक्षण त्रिगुणात्मकत्वम, ये भी लक्षण है। और एक लक्षण बता रहे कि ज्ञान विरोधित्व सत्य भाव रूपत्वम, जो नैयायिक लोग बोलते हैं ना, अज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान का प्राग भाव, वो अभाव अर्थ में करते नया को। और यहाँ पर हम वेदांती लोग है, नैयायिक नहीं है, इसलिए यहाँ पर नया का अर्थ है विरोधी, इसलिए अज्ञान का अर्थ होता है न ज्ञानम इति अज्ञानम, लेकिन नया का अर्थ विरोध विरोध, इसलिए ज्ञान विरोधी, अज्ञानम किम ज्ञान विरोधी। और अभाव रूप नहीं है, भाव रूप का भाव, अज्ञान अभाव नहीं, अभाव यदि कहोगे तो अभाव पदार्थ से जगत की उत्पत्ति कहाँ से होगी, अभाव पदार्थ उपादान कारण नहीं बन सकता। लेकिन जगत का उपादान परिणाम ही उपादान कारण तो अज्ञान है माया, इसलिए भाव रूप। यदि भाव रूप शब्द से कहते हो अज्ञान को, तो फिर अनिर्वचन है कहाँ से हुआ, तो निर्वचनीय हो गया है कि नहीं, तो पूर्व के साथ क्या होगा, विरोध हो गया। पहले कह दिया अपने अरिवचन और अब क्या कह रहे हो, भाव रूप। पहले कहते हो सद और असत से निर्वचन नहीं कर सकते हो, आप कह रहे हो भाव रूप से निर्वचन कर सकते हो, तो पूर्व कथन के साथ इसका तो विरोध हो गया। इसलिए वेदांत में जो अज्ञान को भाव शब्द से कहा जाता है, भाव का अर्थ भाव पदार्थ है ऐसा नहीं, भाव शब्द से कहा जाता है ऐसा नहीं, फिर अभाव को व्यावर्तन करने के लिए उसको भाव शब्द से कहा जाता है। वस्तुतः अज्ञान ना अभाव है ना भाव पदार्थ है, ये भाव रूप का ये लक्षण तात्पर्य होता है। अभाव से विलक्षण को कहने के लिए भाव रूप शब्द से कहा जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागे व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।